अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिमांड एंड ग्रांट्स में बोलने के लिए मुझे मौका दिया मैडम स्पीकर, धन्यवाद। एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, इट इज इन आवर ब्लड। फ्रॉम 1951 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आज के तारीख में इट इज डिक्रीज्ड अप टू 55%। अध्यक्ष महोदय, एंड इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 1951 51%, नाउ इट इज डिक्रीज्ड अप टू 19%। इसके वजह यह सभा सोचने के वक्त आए, क्योंकि जो किसान धीरे धीरे गरीब होते गए, आत्महत्या करने का वक्त बहुत बढ़ गए। इसीलिए ये सभा सोच के जो बजट में अपन बजट एलोकेशन जो कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा बजट देने का जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट एलोकेशन किए 1,30,000 crores, इट इज 5% ऑफ आवर बजट। दिस इज वेरी लेस। 55% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, वी आर एलोकेटिंग 5% ऑफ द बजट। दिस इज वेरी अननेचुरल। इसीलिए ये सभा ये बजट एलोकेशन ज्यादा करने का जरूरी है, सोचने का वक्त है। और इसमें क्वालिटी सीड नहीं दे रहा है, और वाटर सप्लाई भी, मतलब जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एड भी बढ़ाने का जरूरी है, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर ज्यादा सरकार ध्यान देने का जरूरी है। इसका मोदी जी ने वायदा किया था 2014 इलेक्शन में, आज तक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ये सरकार तो कुछ कारोबार शुरू नहीं किए। अभी सोचने का वक्त आया, और बजट एलोकेशन भी बढ़ाने का है। ये हाँ, तो ये बजट एलोकेशन में भी ये ऐसा है, सरकार दिखाने का ज्यादा है, यूटिलाइजेशन में बहुत कम है। इसमें एलोकेशन रिलीज एंड यूटिलाइजेशन, एलोकेशन में तो बहुत ज्यादा दिखाता जा रहा है, यूटिलाइजेशन में तो बहुत कम हो रहा है, इसके लिए भी ध्यान देना है। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा गांव से तेलंगाना राज्य से यहाँ आया हुआ हूँ। जब दिल्ली में आया, दिल्ली एयरपोर्ट में किताब के दुकान पे गया, मैं वो दुकानदार को ये पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठा कहानियों का कोई किताब है तो मुझे देने के लिए कहा दुकानदार को। तो वो दुकानदार ने ये कहा कि एक नहीं दो दो किताबें हैं, वो हाथ में दिया है। ये किताब 2014 बीजेपी मैनिफेस्टो, दूसरा किताब 2019 मैनिफेस्टो। ये झूठे कहानियां, मैं आज एग्रीकल्चर के बारे में जो बात कह रहा हूँ, बीजेपी पेज नंबर 28, इसमें ये वायदा किया ये बीजेपी सरकार ने, मिनिमम इंश्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 50% प्रॉफिट एंड यील्डिंग सीड एंड लिंकिंग। आपका टाइम खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया आपका। सिंगल एक ही लेडी है, श्रीमती भारती बुला दी। माइक बंद किया। अध्यक्ष महोदय, दिस इज माय मेडन स्पीच, माय पहले बार, दिस इज माय मेडन स्पीच, मैं पहले बार चुनके इधर आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो वक्त दीजिए। अब एक मिनट में खत्म, 11 और भी लोग हैं ना। सही अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में पूछ रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ गोल हो जा रहे हैं, कभी कभी संसद में कुछ बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा है बोल के, तो फिर वापस आके हमारे गाँव में तो हम कुछ कहना है। आपका वक्त खत्म हो गया, आपको सर बोलना, एक मिनट में खत्म। डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये भी पेज नंबर 13 यहाँ पर भी, एंड मोर ओवर 25 लाख करोर इन्वेस्टमेंट इन एग्री एंड रूरल सेक्टर। इतना इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कहा, मगर आज तारीख में 1,30,000 करोड़ रुपए दे चुका है। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुसाइड, अभी बीजेपी सरकार आने के बाद 2014
1,31,666 फार्मर सुसाइड कर लिए। इसके बाद 2015 1,33,623 फार्मर सुसाइड कर लिए। ये सुसाइड नहीं है, ये सरकार के हत्या है। सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये फार्मर सुसाइड कर ले रहा है। और ये मेरा हिसाब किताब नहीं है। कीजिए अध्यक्ष महोदय, ये एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड मैं कोट कर रहा हूँ। 2016 के बाद एनसीआरबी ये रिपोर्ट देना बंद कर दिए। इसका वजह केंद्र सरकार ने। और ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, लास्ट कंक्लूजन अध्यक्ष महोदय, एक बादशाह का दरबार चल रहे थे, वहां पर गाने गाने वाले आए, वो अच्छा गाया, 100 किलो सोना दिए उनको, और अच्छा गाया, 100 किलो चांदी दिए, और अच्छा गाया, जेवर दिए, उसको जमीन दिए, जायदाद दिए, जागीर दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद गाने वाले घर पे चला गया, बीवी को बच्चों को कहा कि आज बादशाह ने बहुत कुछ इनाम दिए, अपना पूरा जिंदगी बन जाएगा। उसके बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 30 दिन हो गए, उसको तो कुछ नहीं मिला। फिर वो परेशान होके वो गाने वाले बादशाह करने फिर वापस आए। श्रीमती भारती पवार जी, देने का बात कहाँ से है? भारती पवार, आप बोलिए। हो गया, बस हो गया, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मराठी में ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.